हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इधर सिरसा में भी कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है। कोरोना का एक नया मामला यहां पर सामने आया है। गुरुग्राम की प्राइवेट फर्म में बतौर सीए कार्यरत 32 वर्षीय युवक 1 जून को सिरसा लौटा था। युवक में कोरोना वायरस के लक्षण थे, जिसके चलते उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया था। युवक की पहली रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी, लेकिन सेहत में सुधार न होने के चलते उसे अस्पताल में रखा गया। युवक का दूसरी बार सैंपल लेकर जांच के लिए जब लैब भेजा गया तो युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। बता दें कि युवक परिवार समेत गुरुग्राम से लौटा था। हालांकि परिवार के सभी 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने मामले की पुष्टि की। आज सिरसा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 22 केस पॉजिटिव केस रिकवर होकर के नेगेटिव हो गए हैं और आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब हमारे पास में सिर्फ 16 पेशेंट पॉजिटिव रह जाएंगे। अगर हम सिरसा जिले के अंदर टोटल नोटिफिकेशन की बात करें तो 3,845 केस रिपोर्टेड हुए थे, सभी के सभी को डिटेक्ट कर लिया गया और इसमें से 1,273 लोग ऐसे हैं जिनका 28 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो चुका है और इसमें से 51 टेस्ट पॉजिटिव आए थे और 3150 टेस्ट नेगेटिव आए थे और अब तक 221 जो केसेस हैं उनकी रिपोर्ट अवेटेड है और कुल 16 केस अभी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एडमिट है।